एक परिवार ने अपनी ही चार माह की गर्भवती बेटी की सड़क पर खुलेआम पिटाई कर दी। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि 8 माह पहले उसने समान गोत्र में ही लड़के से लव मैरिज कर दी थी, जिसके चलते लड़की के परिवारजन नाराज चल रहे थे। रविवार को इस मामले के संबंध में परिवार के लिए एक सामाजिक फैसला होने वाला था। इस दौरान लड़की के परिजनों ने लड़की, लड़के और उसके ससुराल के लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें लड़का व लड़की दोनों घायल हो गए, जिन्हें बिलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना गुलापुरा क्षेत्र की है। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से गुलापुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल हुरडा के रहने वाले शिवलाल पुत्र लालचंद नकवाल और शंभुनगर गुलापुरा निवासी कामिनी पुत्री दिनेश हरिजन ने 26 मई को लव मैरिज कर ली थी। इस लव मैरिज के चलते कामिनी के परिवार वाले काफी नाराज थे। इसके साथ ही लव मैरिज को लेकर लड़के के परिवार को समाज से बेदखल भी कर दिया गया था। रविवार को इस मामले को लेकर शिवलाल के परिवार को समाज के पंचों द्वारा बुलवाया गया था, जहां समाज द्वारा परिवार से चर्चा की गई थी, जिसके बाद शिवलाल का परिवार वापस अपने घर लौट रहा था। इस दौरान कामिनी के पियर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और कामिनी, उसके पति शिवलाल व सास शीला देवी के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें सोमवार को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरे पियर वालों ने मारा, मेरे हस्बैंड को मारा और मेरी सासू जी के भी अटैक किया। हम निकलने लगे, इसके बाद में हमारे अटैक कर दिया और उन्हें जाति बेस लेके पैसे भी मांगे हमसे, 1 लाख रुपए दे दिए इनको। और वो ना सब बोले अब तुम घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो हम मैं ना डॉक्यूमेंट्स लेने गए घर पे, और मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, और ना लेने के लिए गए तो इन्होंने अटैक कर दिया हम पे, कड़ियों से, भाटों से, तलवारों से और इनसे। किन किन ने मारा आपको? मेरा भाई था निक्की, मेरी मासी थी मंजू देवी, और मेरी मासी और इनकी बहुएं और इनके हस्बैंड, बाकी बहुत सारे जने थे इनके घर में सब। आपके घर पे मारा? किन के घर पे मारा? इनके रोड पे ही, इनका घर हमारा घर पास में ही है। सर ऐसा हुआ कि मेरी जो जाति समाज का फैसले वाले जो इंसान थे, उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया कि आप यहाँ पर आओ। मैंने लव मैरिज की थी सर भाग के, तो उसी कारण से मुझे समाज से बाहर किया था उन्होंने। तो मैं किसी फैमिली के घर पे आ जा नहीं सकता था, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर जाने के बाद में उनको हर्जाना दिया 3 लाख रुपये। देने के बाद में सर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, आपके फैमिली में जा आ सकते हो। तो फिर सर मेरे को घर पे जाना था, मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेने मेरी फैमिली को लेके मेरे घर पे गया। तो वहाँ पर जाने के बाद में सर हमारे साथ में पहले तो गलत लैंग्वेज से उन्होंने प्रयोग किया, फिर उसके बाद में जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करके जैसे चलने लगा, वैसे ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद में मेरी वाइफ पे और मेरी माँ पे, हम तीनों को बहुत बेरहमी से उन्होंने मारपीट की सर हमारे साथ में। और हम थाने में गए तो हम थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। थाने वालों ने भी बोला कि आप इसको लेके हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल में भी इनके भाई लोग खड़े थे। तो फिर सर हम भिलवाड़ा आए। आपने कब शादी की, फिर उसके बाद में आपको समाज के बाहर कब किया है? किन किन ने समाज के बाहर किया आपको? सर शादी मैंने 5वें महीने में 23 तारीख को की थी। तो समाज के बाहर कब किया आपको, किन किन ने किया समाज के लोगों ने? समाज के सारे थे सर हमारा, मतलब वाल्मीकि समाज से। सर ये होता है हमारे समाज में ऐसी, मतलब बात जब लड़का एक लड़की को लेकर भागता है तो जाति समाज से उसको बाहर कर देते हैं। लड़की आपके समाज की थी? लड़की हमारे समाज की थी सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवा है सर, गुलापुरा।